गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपका एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं। और चलिए, आज है 17 सितंबर, तो आज कहते हैं कि वैसे तो विश्वकर्मा पूजा है, और कहते हैं आज हम लोग थेरेपी गए नहीं, तो इसीलिए अभी कहते हैं कि अभी गाड़ियों कर रहे हैं सफाई। तो आज है, तो अभी देखिए गाड़ी लगा दी हम लोगों ने, तो गाड़ी अभी ये अपनी गाड़ी लगी हुई है, ये इधर एक और एक अपनी ये गाड़ी, ये देखिए अभी इधर सब कचड़ा हो रखा है, पूरा कचड़ा हो रखा, कचड़ा कचड़ा। तो अभी कहते हैं कि हम लोग अभी सफाई मार दें, थोड़ा कपड़ा मार दें, और अभी इसमें एक बार पानी वहाँ मार देते हैं, देखते हैं मोटर चल रही नहीं चल रही है। चल रही है, चल रही है। और वो अपनी एक पापा की साइकिल खड़ी है, पापा की साइकिल में भी अभी धुलाई होनी, इधर भैया की गाड़ी है, ये कपड़ा मार देते हैं, पानी मार देते हैं। और ये अपनी बड़ी गाड़ी, देसी तरीके से सफाई हो रही है भैया, डीप क्लीन साथ में। हमारे पापा जी की साइकिल है भैया, इसे हम कपड़ा मारते हुए, इसमें बहुत कचरा लगा भैया, 50 बार इसमें कहते कि हमें ऑर्डर मिल चुके हैं कि आप भैया मेरी साइकिल ज़रूर धुल देना। तो इसलिए भैया अगर हम इसको नहीं धुलेंगे, हो सकता है हमें घर से बाहर भी कर दिया जाए। तो अभी हम लोग साइकिल धुल लें फटाफट, बस साइकिल धुल लेते, गाड़ियाँ धुल लेते, उसके बाद मिलते हैं आपको नहा धोने के बाद। उसके बाद फिर चलते हैं, पापा को छोड़ने चलेंगे पापा की ड्यूटी पे, क्योंकि पापा के दोस्तों ने बुलाया उनको, तो अभी चलते हैं। दोस्तों अभी अपना काम ख़त्म हो रखा है, कि अभी हम लोग कहते हैं कि बस अभी हम लोग पानी निकाल लें घर से, अभी घर से पानी नहीं निकालें, घर में बहुत ज़्यादा पानी। ला जाओ भाई, चलो गया। तो देखो अपना चप्पल फेंक दिया है, एक जगह पे ना मनीष कश्यप भाई को होना चाहिए था, बताओ ये लोग खेलना चाहिए कि नहीं, चले रेलना चाहिए नहीं, रेलना चाहिए अभी, रेलना चाहिए ये अभी मेरा, ये देखिए दीजिए साहब, ये देखिए मेरा छेद यहाँ पे दो उनके ऊपर है, और ये पानी जो है ना गड्ढा पानी भर रहा है यहाँ पे, तभी इंजीनियर साहब अभी मनीष कश्यप भाई होता तो कहता रेलना चाहिए नहीं रेलना चाहिए, आप ही बताओ। अभी मेरा नदी जैसा भर चुका है, अभी गाड़ी धुल चुकी है, बिल्कुल साफ हो चुकी है, और तो मेरी साइकिल भी पारी पा की साफ हो चुकी है। और इधर भी हम इधर मम्मी अभी कहते हैं, अभी देखिए वो देखिए उधर मम्मी भी देखिए अपना झाड़ू वाड़ू इसी वक्त लगा दी, बिल्कुल घर भी साफ हो गया इसी बहाने, और जल्दी जल्दी फटाफट। और इधर एक नंगू धड़ंगू है, तो अभी कहते सब लोग सफाई कर रहे हैं फटाफट, और बस अब नहा के मिलते फटाफट आपको। अभी हम नहा के आ चुके थे, तो हमने अभी करी अपनी बड़ी गाड़ी की पूजा, इसके बाद प्रार्थना करी कि हमारी गाड़ियाँ सारी सही रहें, इसके बाद हमने की पूजा अपने साइकिल की, उसके बाद सारी सही रहें, और बस इसी तरह अपने घर के लिए प्रार्थना करी विश्वकर्मा भगवान से कि सभी लोग सही रहें। अभी हम लोग कहते हैं कि घर से निकल चुके थे पूजा उजा करके, तो अभी हम लोग पापा को जा रहे हैं छोड़ने, कि पापा यहाँ ड्यूटी करते थे, तो अभी कहते हैं कि अब हम लोग निकल चुके हैं और रास्ते में बस पहुँचने वाले हैं। क्यों पापा, अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? उत्तरछिया रेलवे स्टेशन। जहाँ पे आप क्या करते थे? यहाँ हमारी ड्यूटी थी। कितने दिन अच्छा ड्यूटी यहाँ पे किया? 40 साल ड्यूटी किया यहाँ। जी हाँ दोस्तों, अभी 40 साल पापा ड्यूटी किया यहाँ पे। अभी चलिए आप पापा जी जा रहे हैं घर का काम करने, तो अभी सफाई करने जा रहे थे, तो अभी चदरा देने जा रहे हैं, अभी अंकिता चदरा धुलने जा रही है, कह रहे बहुत मन है मेरा धुलने का, ये बहुत गंदा हो रहा है, तो अभी चदरा दे देते हैं अंकिता को। देखिए यहाँ पर इनको बहुत पीड़ना है, भाग रहे हैं जी। देखिए अभी कमरे की हालत सी हो रखी है, इधर भी फ्रिज के ऊपर भी सामान रखा हुआ है, इधर ये टेडी वेडी तो पहले के ऑलरेडी हम इधर कपड़े ड्यूटी पहन जाते, इधर बैग मेरा, इधर कुछ कपड़े फैले हुए हैं, और गद्दा दे दिया अंकिता को धुले, और अभी सब फड़ा हुआ है, तो फटाफट अभी कुछ उतार देंगे ताकि तो अभी दोस्तों हम लोग बस के रूम की सफाई करते हैं, बस देसी स्टाइल से फटाफट, क्योंकि ना अभी अंकिता को नहा रही है, और फटाफट हम लोग कहते हैं कि कपड़े थोड़ा ये तो अभी हम पहनेंगे फटाफट,
क्योंकि ना उसके बाद मेरी क्लास लग जाएगी। अगर हम अगर सफाई नहीं करें तो ढंग से, मम्मी तो आप मम्मी भी हौकेंगी और अंकिता तो। सो गाइस फाइनली कहते हैं कि काम अपना का रूम का ख़त्म हो चुका है, तो अभी हम लोग कहते हैं कि सफाई कर चुके हैं रूम की, और कहते हैं कि अभी सारे काम ख़त्म होने के करीब अब हम लोग कहते हैं अभी ड्यूटी जाएंगे। तो उससे पहले, जाने से पहले एक बार आपको हम रूम दिखा देते, जब रूम गंदा था तो मैंने आपको दिखाया, और उसके बाद अभी सफाई कर दी, तो आप देख के बताइए जरा लेडीज़ से अच्छी हमने सफाई करी है, लेडीज़ से ख़राब, और कोशिश हमने करी अच्छे से अच्छा सफाई करने की। तो कोशिश ये रहा अपना कुछ रूम इस तरीके से, इधर मैंने दो पिलो लगा दी, उधर अपने सारे सोफे वगैरह साफ़ कर दिए, और इधर टेबल को सामान रखा था इधर फ्रिज पे, वो भी सिंग्रिकेट कर दिया है, और इधर भी कुछ रखा हुआ सामान जो कि अब इधर सेट कर दिया है, और इधर की बोतलें भी हटा दी हैं, और वहाँ से दो पॉलीथीन वहाँ पे थी पहले देखिएगा वीडियो में, उसमें दो पॉलीथीन दिखी थी, वो सब एक में कर दी, उधर सिंग्रिकेट कर दिया, और ये देसी स्टाइल में सारा सफाई कर दी फटाफट। अब देसी स्टाइल में सफाई करते करते अभी हमारा हो गया वीडियो पूरा करीब, हो गया काफ़ी लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए ना वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। और एक टिफिन सा बैग लेके, टिफिन सा लप्पू सा टिफिन लेके लप्पू सा चला जाएंगे, ठीक है, ड्यूटी, और कहते हैं इससे हमें वीडियो एंड करेंगे, और कहते हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यही बस आपसे चल रहे हैं, लव यू ऑल, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।